दोस्तों आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आ चुका है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या 2023 में हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो क्या हमको 2024 में नया चैनल बना लेना चाहिए या उसी चैनल पर काम करना चाहिए, और क्या हमको, अगर हमने अभी तक यूट्यूब पे कोई अनुभव नहीं है तो क्या हमको 2024 में चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि भैया YouTube का जमाना है, अगर हम YouTube पे ग्रो हो जाएंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। अब चक्कर ये है कि अगर जो नए लोग हैं वो सोचें कि भैया हम क्यों चैनल बनाएं, हम तो देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे कितने घंटे समय बिताते हैं कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। मैं आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सोशल मीडिया ऐप पे कम से कम 1 या 2 घंटे आराम से बिताता है जिसके पास इंटरनेट है, और लगभग सभी के पास इंटरनेट है, सभी के पास मोबाइल है। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास भी जो मोबाइल है, तो 1-2 घंटे बिताने के बाद हमको कोई हासिल नहीं होता, हम फालतू में टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना। अब हम चक्कर जे कि हम क्यों भैया यूट्यूब पे आए, तो मैं आपको सीधा सा लॉजिक बताता हूँ कि यूट्यूब पे आने के 2 कारण होते हैं। एक तो हमको पैसा चाहिए, और लगभग सभी चाहते हैं कि उनको पैसा मिले, और दूसरी हमको भैया पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको तो भैया इज्जत चाहिए और फेम चाहिए। तो भैया फेम भी आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, आप घर बैठे यूट्यूब भी देखते रहे या कोई भी सोशल साइट देखते रहे तो आपको भैया फैन मिलने से तो रहा, आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा जब ही आपको फेम मिलेगा, जब ही आपको पैसा मिलेगा, और भैया फेम भी मिले और पैसा भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 2024 में आ जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भैया मैंने आज तक यूट्यूब के बारे में नहीं सोचा, तो मैं यूट्यूब पे क्या वीडियो बना सकता हूं, तो मैं आपको बताऊं, हर बंदे में एक टैलेंट होता है, हर बंदे में, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसमें टैलेंट छुपा हो, उसके ऊपर कोई, किसी के पास कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने का नॉलेज होता है, किसी के पास बैडमिंटन कबड्डी वगैरह खेलने का नॉलेज होता है, कोई सब्जियां अच्छी बना लेता है किचन का नॉलेज होता है, कोई भैया ज्ञान ज्यादा अच्छा दे देता है, किसी के पास ज्ञान देने का नॉलेज होता है, ज्ञान की भी बहुत परिभाषाएं, कोई को जीके का ज्ञान होता है, कोई को पढ़ाई का ज्ञान होता है, कोई भी नॉलेज की एक फील्ड की उसको इंटरेस्ट होता है। दोस्तों इंटरेस्ट जो होगा उस चीज, जिस चीज में भी इंटरेस्ट होता है उसको उसी चीज का नॉलेज होता है, उसी चीज का ज्ञान होता है। तो आप में जो भी एक इंटरेस्ट है, जो भी एक हॉबी है, आप अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को बताइए। भैया किसी को है ना बोलने का इंटरेस्ट होता है तो अपने बोलने की हैबिट डेवलप कीजिए, और अगर आपका 2024 में चैनल ग्रो नहीं हुआ तो कम से कम बोलने की चीज आ जाएगी, आप बोलना सीख जाएंगे, लोगों को कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, आप फेस करना सीख जाएंगे कैमरे से। हाँ, अगर आपको फेस करने से डर लगता भैया हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो आजकल मैं आपको बता दूं बिना कैमरे बिना फेस वाले वीडियो भी खूब चल रहे हैं, खूब देखे जा रहे हैं। बिना भी फेस वाले वीडियो कैसे बना सकते हैं, आप कोई भी क्लिप उठाइए जो फ्री कॉपीराइट होती है, आपको वीडियो उठाइए और बस आपको आवाज भरना है और उसमें एडिट करना है आवाज वगैरह, तो आप वैसे भी वीडियो बना सकते हैं। तो भैया एनकेएन प्रकरण यही है कि अगर आपका चैनल 2023 में मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप 24 में उसी चैनल पे एक कैटेगरी पे मिल गए, लगन से काम करिए, हो सकता है 2023 आपके लिए अच्छा ना गया हो, 2024 में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, 2024 में आपको अच्छा साल माना जाए, हो सकता है आपकी कुंडली में, आपके भाग में 2024 में किस्मत चमकना लिखी हो, लेकिन तभी संभव होगा तब आप YouTube पे रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे तो हो सकता है आपका भाग चमक जाए। ऐसे भाग नहीं चमकेगा, 2024 में भाग चमकने लिखा है तो आप पड़े पड़े वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिसमें पैसों की कोई सीमा नहीं है, पैसों अथाह हैं, खूब पैसे कमा सकते हैं, और पैसा आएगा वीडियो चलेंगे तो इज्जत और फेम भी आती है क्योंकि उसको लोग जानने लगते हैं। तो और अगर आप नए हैं तो भी मैं आपको बताऊं कि आप नए लोग अगर देखना है ये वीडियो तो आप YouTube पे आइए और वीडियो नया चैनल 2024 में क्रिएट कीजिए और फेम इज्जत पैसा शोहरत सब कुछ कमाइए और वीडियो को चलाइए, वीडियो अपलोड कीजिए, और किस कैटेगरी के बताना है ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों अगर
हम लोग भी ऐसा सोच लेते तो हम भी आज YouTube पे नहीं आ सकते थे। 2023 में भी हमने वीडियो बनाए, आज हमारे सब्सक्राइबर और जो व्यू है वो बढ़ गए हैं, कुछ घंटे पूरे हो गए हैं, और हम 24 में हमें उम्मीद है कि 24 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और YouTube पे हम जरूर सफल होंगे। दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए उनको जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। एक और बात बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सोचेंगे मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्यों YouTube पे समय खराब करूं, आप भी एक दो घंटे YouTube पे बिताते हैं। और सबसे ज्यादा भैया सर्च किए जाने वाला टूल है गूगल और YouTube समय बिताने के लिए। आप Facebook पे भी बिताते हैं, फालतू समय पढ़ते हैं, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई मत छोड़िए, काम करते हैं काम करिए, काम मत छोड़िए, लेकिन जो एक दो घंटे आपके पास जो समय होता है 24 घंटे में से जो फालतू समय होता है उस पे आके आप YouTube पे टाइम करिए, काम करिए। सिर्फ एक दो घंटा YouTube मांगता है, कोई ज्यादा नहीं मांगता है, उससे आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे ग्रो होना है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।